अभी पालक लेकर आया हूँ मैं, ये 50 रुपए की माशाल्लाह काफ़ी सारी पालक मिल गई है। और अभी अपने परिंदों को डालनी है, मैंने धोता हूँ इसको सबसे पहले और फिर अपने चूज़ों को, और चूज़ों के साथ साथ अपनी फिंचेस को पालक डालता हूँ। पालक धोकर डाल दिए मैंने और माशाल्लाह परिंदे पालक इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। और अभी जो है एक काम और रहता है, थोड़ी सी पालक बच गई है, मैं डालूंगा बाद में, शाम में डाल दूंगा। चूज़ों वगैरह सबको, मुर्गियों को सबको पालक डाल दिए। लेकर आया था कल मैं ये कुछ मनी प्लांट के पौधे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, देख सकते हैं कुदरती ऐसे इसके अंदर होल्स होते हैं। और कुछ और ही मनी प्लांट है तो इनको भी अभी गमलों में लगाना है, मगर ये मैं शाम को लगाऊंगा। इसकी वजह क्या है कि अभी जो है ना काम ये है, ये वाला फ्रेम ऊपर जो छत पे फ्रेम नज़र आ रहा है ये पूरा उठाकर लगाना है सामने, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। बेसिकली आज का मकसद इस वीडियो का यही है कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ किस तरह से मैंने अकेले ये फ्रेम फिक्स किया है। तो अभी मैं इस फ्रेम को यहाँ फिक्स करने लगा हूँ, मोबाइल को लगाता हूँ यहाँ पीछे फिक्स करके ट्राईपॉड पर, और आप लोग देखेंगे यहाँ से किस तरह से फ्रेम फिक्स हो रहा है। जी दोस्तों, तो इस वीडियो को मैंने 2x कर दिया, यानी इसकी स्पीड तेज़ कर दी है ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। और अभी मैं ये पूरा फ्रेम उठाकर लगा रहा हूँ। इस फ्रेम का वज़न मिनिमम 30-35 किलो है, जो कि दिखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन लगाना और उठाना इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जो आपको ये अकेला पाइप लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प मिली, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी और इसी की वजह आसरे पर ये फ्रेम रुका हुआ था, पीछे नहीं जा सका। ये मैंने इसलिए पहले सोच कर लगाया था कि इसकी सपोर्ट पर इसको रखूँगा और फिर दूसरी तरफ काम करूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हो रही थी इसको दीवार पर रखने में हो रही थी, जिस तरह आप लोगों के सामने ये वाला मरला काफ़ी मुश्किल था। जब ये एक बार दीवार में फिक्स हो गया तो उसके बाद जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। तो ये फ्रेम पहले तो काबू में ही नहीं आ रहा था, और एक बार ये फ्रेम गिरा भी है, आप लोग देखेंगे भी सही इस वीडियो में कि जब मैंने इसको रखा था तो ये फ्रेम जो है गिर गया था वापस नीचे। तो फिर से इसको उठाकर दोबारा दीवार में रखा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी काम में हुई थी, इसको यहाँ पर फिक्स करने में। और जब ये दीवार में फिक्स हो गया तो उसके बाद तो ये समझे आप काम हो गया ख़त्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिर गया था और बचत हो गई मेरी, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने जो पिंजरे फ्रेम बनाए हुए थे वो 6 फिट के थे, तो ये उन फ्रेम्स के ऊपर गिरे। अगर पिंजरे ना होते तो मैंने इसके नीचे ही आ जाना था। बहरहाल यहाँ पर ये वाला काम जो सबसे मुश्किल था ये था इसको यहाँ फिक्स करना। जब ये एक बार फिक्स हो गया, दीवार के साथ अटक गया, तो बस ये हो गया काम बिल्कुल आसान। उसके बाद मैंने लास्ट वाला जो पाइप सबसे पहले लगाया था अलग से, उसको खोल के उसको इसके आगे लगा दिया और उसको तार की मदद से बांध दिया। उसके बाद जो है बाकी काम मैंने किया, सीमेंटिंग वर्क वगैरह जो भी इसकी पिंच वगैरह लगाई थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये केज जो है अभी मजबूती से लग चुका है पूरी तरह। तो इंशाल्लाह इसकी बाकी वीडियो आप लोग देखें किस तरह से इसको मैंने फ़िक्स किया, और बाकी की अपडेट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। दरवाज़ा वगैरह ही मैंने फ़िक्स कर दिया इसको सारा। अभी यहाँ पर मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए था ये वाला पाइप खोलने के लिए, तो जो वो नहीं मिल रहा था, काफ़ी ढूंढने के बाद जाकर स्क्रू ड्राइवर मिला और उसके बाद फिर इस वाले पाइप को मैंने खोला। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो गई थी कि ये जो पाइप मैंने लगाया था ये खोलते हुए तो वीडियो आप लोगों ने देखी, लेकिन दोबारा इसको फिक्स करने की वीडियो नहीं बन सकी। उसकी क्या वजह बनी कि मैं मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगाना भूल गया था, जिस वजह से वीडियो के दौरान मोबाइल बच पड़ा, यानी कि बीच में कॉल आ गई और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो उसी टाइम पर मैंने पूरा पाइप खोल कर वापस लगाया, और लगाने के बाद फिर दोबारा से वीडियो को कंटिन्यू किया। तो ये जो पाइप लगाने का जो बीच का था थोड़ा सा टाइम, ये वाली वीडियो हो गई है इसमें मिसिंग। और यहाँ पर बस अभी मैंने एक आखिरी कील ठोकी, जिसके बाद ये फ्रेम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था। अब इसके बाद मैं दरवाज़ा लगाऊंगा, और दरवाज़े के बाद जो है मैंने कुछ सीमेंट वर्क कर रहा है, यानी कि दरवाज़ा भी लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीमेंट वर्क वगैरह करके इसको फिक्स भी कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आप लोगों को एक काफ़ी बेहतर हुलिया नज़र आएगा, यानी एक शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है मास्टर केज की, क्योंकि साइड वाली ग्रिल और दरवाज़ा वगैरह लग चुका है। ये था हमारा फ्रेम फिक्स करना। मैंने सोचा आप लोग ज़रूर शेयर करूँ कि कितना मुश्किल होता है वीडियोस बनाना और अकेले काम करना, ये मास्टर के जितना इजी नहीं बनेगा, टाइम लगेगा काफ़ी, इसलिए इतना टाइम लग रहा है कि अकेला हूँ और इतनी मेहनत होती है। तो ये थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे किसी नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।